दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट ऑफ 3 बाई 3 ऑर्डर का वैल्यू पता करना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपका एक एग्ज़ाम्पल लिया है, ठीक है। डिटरमिनेंट को दोस्तों हम अपना, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है तो उसको डिटरमिनेंट के रूप में लिखना है, तो इसके साइड में हम ऐसे दो लाइन खींच देंगे। हम यहाँ पर देखो, इसको 6 तरीके से निकाल सकते हैं। तीन तरीके कौन से आपके, देखो। पहले यहाँ पे ये आपका R1 रो है, ये R2, R3। R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर दो, R2 के, R3 के। तीन तरीके हो गए। देखो, ये आपका यहाँ पे कॉलम C1 है, ये कॉलम C2, ये आपका कॉलम C3 है। तो तीन इनके रेस्पेक्ट में आप एक्सपांड कर सकते हैं। ओके, C1, C2, C3, R1, R2, R3। अब देखो, जब हम एक्सपांड करेंगे तो कुछ चिन्हों का ध्यान रखेंगे। उन चिन्हों को आप समझिए। ये चिन्ह कुछ इस तरह से रहते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, ठीक है। अब दोस्तों, मैं इसका जो एक्सपांड है वो R1 के रेस्पेक्ट में करने वाला हूँ। यानी हम किन चिन्हों को ध्यान में रखेंगे, इन चिन्हों को ध्यान में रखेंगे। ओके, तो देखिए हम लिख देते हैं, एक्सपांड विथ रेस्पेक्ट टू R1, यानी R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो विस्तार कैसे किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। ये बराबर रहेगा, देखो पहला एलिमेंट कौन है, 3। यहाँ पे चिन्ह कौन सा रहेगा, प्लस का। इसके साथ आएगा आपका डिटरमिनेंट। बीच में कौन सा चिन्ह है, देखो माइनस। यहाँ कौन है आपका, बीच में -1 है, ठीक है। इसके साथ आएगा आपका डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में आपको क्या लिखना है वो हम बात करेंगे, ठीक है। आप बस देखते जाइए। आगे यहाँ पे कौन सा प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे क्या है, -2। इसके साथ आएगा आपका डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में हम अपना वैल्यू रखते हैं। देखो ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे 3 की बात करें तो ये आपका कहाँ बैठा हुआ है। आपसे मैं पूछूँ कि 3 कौन सी जगह पे बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ है, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में बैठा हुआ है दोस्तों, हम उनको डिलीट कर देंगे, ठीक है। पीछे जो बचे एलिमेंट है वो इसके साथ लिखेंगे हम इस 2 बाई 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में, ठीक, समझ आ गया होगा। अब -1 की बात करें तो इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, ठीक है। पीछे कौन बचा, यहाँ पे 0, 3, यहाँ पे -1, 0। इसकी बात करेंगे तो इसको डिलीट किया, ठीक है, ध्यान से देखो, और इसको भी डिलीट कर दिया। ओके, पीछे बचा कौन आपका, ये बच गया 0, 0, 3, -5। अब ये जो आपका वैल्यू बना है, इसका मुझे कैलकुलेशन करना है। तो देखो, अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो, 2 बाई 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू आप निकालना जानते होंगे। कैसे निकाला जाता है, एन का मल्टीप्लाई माइनस एन का मल्टीप्लाई, -5 × -1। तो देखो, गणित में हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, आप जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, -5 × -1, -× - आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी 5 × 1 कितना आएगा आपका, 5। यानी इनका मल्टीप्लाई क्या आ गया, 5। इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। ओके, माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, 3 × -1 कितना, -3, और ये आपका -2। इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, 0 × -5 कितना, 0। 3 × 0 कितना, 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये 0 − 5 कितना, -5 × 3 कितना, -1, 5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 1 कितना, 3।
जीरो मल्टीप्लाई माइनस टू ज़ीरो हो गया, यानी फाइनल हमारे यहाँ पे कितना आंसर आ गया देखिए, माइनस 12 निकल कर आया है। यानी अपना इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकला है, बराबर आपका माइनस 12 निकला है, जो कि हमने किसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड किया, आपका आर वन के रेस्पेक्ट में एक्सपांड किया। ठीक इसी तरीके से जब आप देखिए दोस्तों, सपोज करो आर टू के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करते हैं तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह को फॉलो करते हैं, आर थ्री के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस प्लस चिन्ह को फॉलो करते हैं। ओके, इसकी देखिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, एक बार आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू, इस वीडियो को देखा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सुरेंद्र खिलेरी।